कबीरा गुनाह में से एक क्वेश्चन था अपने माँ बाप को गाली दे, ये भी सही है जी से। इससे मालूम हुआ कि माँ बाप को गाली देना कबीरा गुनाह है। दूसरी हदीस लाने से भी मफूम समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो पहली हदीस से क्या मालूम होता था? सिर्फ लानत करना ही कबीरा गुनाह। इस हदीस से मालूम हुआ कि कबीरा गुनाह में से यह है कि कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली दे, ये कबीरा गुनाह। तो माँ बाप के ताल्लुक से तो बहुत बहुत ज्यादा एहतियात रखना चाहिए, जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। कबीरा गुनाह में से एक के कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली दे। आलू या रसूलुल्लाह वहल यश्तमुर रजुल वालिदैही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, कोई शख्स अपने माँ बाप को कैसे गाली दे सकता है? قال نعم احسن قال हां दे सकता है। यसुब अब रजुल, वो गाली दे किसी के बाप को, फयश्तम अबाहु, उसके बदले पलट कर वो उसके बाप को गाली दे। फयसुब उम्मुहु, फिर वो उसकी मां को गाली दे और वो पलट उसकी मां को गाली दे। एक और दूसरी हदीस के अंदर सही हदीस, उसके अंदर ऐसे अल्फाज हैं, वयस्तम उम्मुहु फयसुब उम्मुहु, गाली दे उसकी मां को और वो पलट कर गाली दे उसकी मां को। एक में यश्तम शतम है, एक में सब है सब। समझ में आ रही है? ये हदीस के अल्फाज इसलिए लेके आ रहा हूं कि मुहद्दिसीन ने इन अल्फाज को भी प्रिजर्व किया, महफूज किया, अल्फाज की हेराफेरी भी नहीं की। जिस हदीस में यल अनु लफ्ज आया उसको यल अनु के साथ ही रिवायत किया, जिस हदीस में शतम के साथ आया उसको शतम के साथ ही रिवायत किया, जिस हदीस में सब्ब के साथ आया उसको सब्ब के साथ ही रिवायत किया, अल्फाज में छेड़छाड़ नहीं की। इससे तो लोगों का बहुत बड़ा एतराज यहां पर रद्द होता है कि कहते हैं कि अहलुल हदीस मुहद्दिसीन की तकलीद करते। अरे मुहद्दिसीन की तकलीद करते तो मुहद्दिसीन खुद एक ही लफ्ज का रट्टा क्यों मारते? उनकी मर्जी में आता है तो जहां जो आता वाला बदल देते। मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह ने भी वही अल्फाज को दोहराया जो आपस सलम की जुबान निकले हुए थे, उनको ही पकड़ा, वो भी मतलब किसी न किसी की इत्तेबा कर रहे थे, तकलीद नहीं, वो भी किसी न किसी के पीछे कदम ब कदम चल रहे थे। इत्तेबा और तकलीद में सबसे बड़ा फर्क क्या है? इत्तेबा में शख्स कदम ब कदम चलता है और तकलीद में शख्स आंख बंद करके देखता नहीं किसके पीछे चला, बस चलता है। उसके लिए शर्त नहीं है कि किसी के पीछे चलो। लोगों ने बाद में शराइत लगाए जबकि इसकी कोई शर्त ही नहीं है किसके पीछे चले। बस इतना है कि बिना देखे बिना दलील के बस चलता जाए। मैं कहता हूं मुहद्दिसीन ने क्यों लफ्ज की भी लफ्ज को भी मैं महफूज किया। जैसे दूसरी हदीस है जिसमें शतम के अल्फाज है वो सही मुस्लिम की हदीस है। कम से कम 17-18 जगह पर हदीस आती है, बस सही हदीसों में जो अल्फाज है एक सही बुखारी एक सही मुस्लिम है। सही हदीसों में जो अल्फाज आते हैं माँ बाप को गाली देकर माँ बाप को गाली दिलवाना, ये बुखारी मुस्लिम में है। क्या मालूम हुआ इससे? इससे मालूम हुआ अल्लाह की किताब कुरान मजीद को अपने इल्म अपने अमल के लिए जब पढ़ ले तो बिल्कुल सीधे हो जाए। क्या हो जाए? सीधे हो जाए। पर बुखारी का मुताला करे और सही मुस्लिम का मुताला करे, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है कि हर हदीस किताब में पढ़ूंगा। मैं अबू दाऊद ही पढ़ूंगा, इब्ने माजा पढ़ूंगा, नसई पढ़ूंगा, मुस्नद अहमद ही पढ़ूंगा, मैं इब्ने हब्बान ही पढ़ूंगा, इब्ने खुजैमा पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें कहां बांधा हुआ है वही पढ़ लूंगा। नहीं मेरे भाई, उस लेवल का नहीं है तू। तेरा जितना लेवल है उतना ही कर, तेरा लेवल इतना ही है कि तू कुरान मजीद को अपनी मातृ जुबान में पढ़ ले अपने इल्म अपने अमल और अपने आदत के लिए, उसके बाद सही बुखारी का मुताला कर, क्योंकि असहुल किताबात किताबुल्लाह है, ये सबसे सही किताब अल्लाह किताब के बाद सबसे सही किताब, इसका मुताला कर, इसको जब खत्म कर तो सही मुस्लिम को पढ़ ले, क्योंकि 1000 साल से पूरे उम्मा इस बात पर मुत्तफिक है कि ये दोनों किताबें सही हैं, सही किताबें, दो ही किताबें बुखारी और मुस्लिम,
ये किसी का खास शख्स का थोड़ी दावा है, 1000 साल से सारे उलमा मुत्तफिक है इस बात पर, यहां तक हर फिरका जमा इस बात पर मुत्तफिक है। उसको कह सकते हैं आप इजमा है इस बात पर, झूठा नहीं हकीकी इजमा है इस बात पर। तो क्यों ना कुरान मजीद के बाद सही बुखारी का मुताल्लिया किया जाए, सही मुस्लिम का मुताल्लिया किया जाए, क्योंकि इस हदीस पर आने पर हमें मालूम होता है कि जिसमें सही अल्फाज, सही जिसके जिस सही अहादीस और रिवायत जो अल्फाज आए हैं वो ऐसे ही है, बस एक बुखारी और एक जी मुस्लिम। बाज हदीसों में ऐसे भी अल्फाज है सही है या ज़ईफ है इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पहले सुन लीजिए। फयतअर्रदु नास फयसुब्बु वालिदैही, यानी कोई शख्स किसी के माँ बाप पर सिर्फ ऐतराज करे और उसके बदले वो गाली दे। इमाम बुखारी मौला ने वो अल्फाज नहीं लिए न बाप के लिए इख्तियार की, बाप की बात बता रहा हूं मैं। बुखारी मौला चाहते हैं तो फयतअर्रदु नास के ऊपर से एक लफ्ज इख्तियार कर सकते थे अपने बाप के लिए, बाप बांधने के लिए, बाप बाप तो नहीं सुन रहे ना, बाप बांधने के लिए। इन अकबर ज़म्ब अयसुबु रजुल, ऐसे भी कुछ अल्फाज मिलते हैं कुछ दूसरी रिवायतों में के कबीरा गुनाह ज़म्ब का लफ्ज है उसमें। इमाम बुखारी मौला चाहते हो तो अपने बाप बांधने के लिए, बाप की बात कर रहा हूं मैं हदीस की नहीं, हदीस में तो इमाम बुखारी का भी नहीं चलता है कुछ भी रहमतुल्लाह। बाप तो इख्तियारी है, बाप बांधना क्या है इख्तियारी, इमाम बुखारी मौला ने जो चाहे अल्फाज इस्तेमाल करके उसका बाप बांध सकते हैं, बना सकते हैं बाप, बाप का एक टॉपिक है, टाइटल है, उसमें भी वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो हदीस में